नमस्ते दोस्तों, आज हम स्केयरिंग ब्रिज से हम अननोन कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। हमारे पास ये है हमारा स्केयरिंग ब्रिज, ये है हमारा अननोन कैपेसिटेंस। इस अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आप देख सकते हैं ये हमारा अननोन कैपेसिटेंस है। इस अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम स्केयरिंग ब्रिज यूज करेंगे। स्केयरिंग ब्रिज यूज करने के लिए हमें दिए गए हैं स्केयरिंग ब्रिज के लिए हमें 3 रजिस्टर दिए गए हैं और 2 कैपेसिटर दिए गए हैं, जिसमें हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। यह हमें अननोन है। जो पहला वाला कैपेसिटर है वो 0.1 माइक्रोफेराड है और बाकी के 3 रजिस्टर हैं वो 1 ओम के हैं। तीनों रजिस्टर सेम ओम के हैं, तीनों का रजिस्टर सेम है। और यह है हमारा कैपेसिटर जिससे हम इसको वेयरिंग कर सकते हैं 40 डिफ्लेक्शन के लिए। जब 0 डिफ्लेक्शन प्राप्त हो जाएगा हम इससे, तो हम इस पर इससे कैपेसिटेंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इस सर्किट को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर रजिस्टर कैपेसिटर सीरीज में लगा दिए, उसके बाद हमारा कैपेसिटर को अननोन कैपेसिटर को इसके साथ सीरीज में लगा देंगे। इसके बाद हमारा कैपेसिटर इस रजिस्टर के पैरेलल लगा देंगे। ये हमारा कैपेसिटर पैरेलल लगा हुआ है, ये हमारा वेयरिंग कैपेसिटर है। इसके बाद हमारा रजिस्टर इसी के साथ आगे लगा देंगे और R1 से कनेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस कनेक्शन। अब इसके बाद हमारा बारी आई डिटेक्टर की। डिटेक्टर का पहला टर्मिनल हम R1 के साथ कनेक्ट कर देंगे और डिटेक्टर का दूसरा टर्मिनल C4 के साथ कनेक्ट कर देंगे। बारी आई पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई में देखिए आप, जो हमारा C1 है और C2 है उसके बिटवीन में पहला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल हमारा जुड़ा हुआ है R3 से। देखिए दोस्तों, अब हमें इसको बेयरिंग करना है। इसको बेयरिंग करने पर हमें 0 डिफ्लेक्शन प्राप्त होएगा। जब माना कि पॉइंट थ्री है हमारा, जब हमने 0.3 पर लिया तो हमारा देखिए 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पर। तो हमारे C4 की वैल्यू हो चुकी है 0.3 माइक्रोफेराड है। और हम जब हम C4 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयरिंग कीजिए।